जिला कांगड़ा के उपमंडल नगरोटा बागमा के राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मसल में कोविड 19 के प्रकोप के बीच कोरोना वायरस के शोषण के मसले पर पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने प्रदेश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। बाली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महकमे के घोटाले से भी बड़ा षड्यंत्र इंजीनियरिंग कॉलेज मसल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे षड्यंत्र को कॉलेज के निदेशक एवं प्रधानाचार्य डीपी तिवारी ने एक वीडियो के जरिए बयान किया है। इस वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि भाजपा के नेता कैसे गलत काम करवाने के लिए दबाव बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं उनके खाते से एक बीजेपी समर्थक ठेकेदार कैसे पैसे निकाल लेता है। पूर्व परिवहन मंत्री बाली का कहना है कि इस कॉलेज को कोरोना सेंटर बनाया गया है, लेकिन यहीं पर षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूर्व परिवहन मंत्री ने कहा कि कॉलेज के डायरेक्टर ने इसके लिए सरकार के ध्यान में मामला लाया, लेबर कमीशन को पत्र लिखा, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बाली ने पूछा है कि सरकार क्यों नहीं इस षड्यंत्र की जांच करवा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तो स्वास्थ्य घोटाला ही सामने आया है, लेकिन बहुत जल्द उनके मामले गड़बड़ी के भी सामने आएंगे। पहले सरकार कहती है कि ये ठेका इस व्यक्ति को ना दिया जाए, फिर अगले दिन लिखते हैं कि हम वो चिट्ठी विड्रॉ कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो 7500 रुपये पहले ही जो कम सैलरी है सफाई कर्मचारी की, अगर उसमें से 2000 रुपये ठेकेदार काट लेगा तो 5500 रुपये वो बेचारे काय के वारियर हुए, और वो क्वारंटाइन का सेंटर है बनाया हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज को, वहाँ अपनी जान को जोखिम में रख कर के वो लोग काम कर रहे हैं और उनके पेट के ऊपर ऐसे लात मारी जा रही है और डायरेक्टर साहब एक्शन के लिए लिख रहे हैं और सरकार उसके ऊपर सोई पड़ी है। उन्होंने डायरेक्टर ने अपने मुंह से कहा है कि मुझे ये कहते हुए खेद है कि मैंने सरकार को नोटिस में लगाया, लेबर कमिश्नर को लिखा कि ऐसे ऐसे इनके खाते में से पैसे निकलवा लेता है ठेकेदार, तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमें इस बात का दुख है और ये मोदी जी को अपने संज्ञान में लाना चाहिए बात को, कि जिनको आप बारियर कह रहे हैं टेलीविजन के ऊपर और ये कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत का अभियान चलाना है, हिंदुस्तान को साफ बनाना है, तो उनके पेट के जो काट रहे हैं लोग उनके ऊपर आप क्या एक्शन लेने का सोचते हैं। प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छ भारत का नारा दे रहे हैं और भाजपा पार्टी उसके ऊपर पूरा सब कुछ अपना निशावर कर रही है, उसी स्वच्छ भारत के 19 लोग जो हैं वो ये शिकायत करते हैं कि हमारी तनख्वाह जो है वो ठेकेदार पूरी नहीं देता, और वो ठेकेदार एक भाजपा का नेता है, और एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो ठेकेदार जो दूसरे जो वो है सफाई कर्मचारी उनको हत्तापत्ती करते हुए, हम उसकी पुष्टि जो है आप लोग डायरेक्टर से कर सकते हैं, उन्होंने कुछ पत्रकार बंधुओं को इस बारे में बताया भी है।